Assalamu alaikum students, I hope so you are fine and safe at your home. We have started a unit, Uses of Computers. In this video, we will cover up our objective type questions. So the first topic is fill in the blanks. Write in your notebook and learn. The statements are given and the suitable words are also given. You have to fill in the blanks with the suitable words. So the first statement is dash design car aeroplanes etc. on a computer. The computer pe aeroplanes car design karte hain engineers. ठीक है, engineers जो से हैं वो एरोप्लेन कार्स वगैरह कंप्यूटर पर डिजाइन करते हैं. नेक्स्ट है डैश आर ह्यूमन लाइक मशीन्स. कि ह्यूमन लाइक मशीन्स कौन होते हैं? रोबोट्स. रोबोट्स जो से हैं वो ह्यूमन लाइक मशीन्स होती हैं. टीचर्स यूज कंप्यूटर फॉर डैश डिफरेंट सब्जेक्ट्स टीचिंग. कि जो टीचर्स हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए कंप्यूटर यूज करती हैं. सो द सुटेबल वर्ड फॉर दिस फिलअप इज टीचिंग. कंप्यूटर्स आर यूज टू डैश एंड कंट्रोल स्पेस इक्विपमेंट सेटेलाइट्स एक्सेट्रा मोनिटर. फिलअप्स में क्या आएगा? मोनिटर. कि जो कंप्यूटर्स होते हैं वो सेटेलाइट्स और जो स्पेस इक्विपमेंट होते हैं उनको कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. सो द करेक्ट वर्ड फॉर दिस फिलअप इज मॉनिटर. रिबोट्स कैन गो इनसाइड द एक्टिव डैश वोल्केनोज. कि जो रिबोट्स हैं वो वोल्केनोज के अंदर जा सकते हैं. सो द करेक्ट वर्ड फॉर दिस फिलअप इज वोल्केनोज. Next topic is true or false. The statements are given. You have to write T for the true statement, F for the false one. So the first statement is computers can be used in shops for preparing bills. जो computers हैं वो shops में bills prepare करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. That is true. रिबोट्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर्स. कि जो रिबोट्स हैं वो कंप्यूटर्स के थ्रू कंट्रोल नहीं किए जाते. रॉन्ग. दैट फॉल्स. सो द वी विल राइट एफ. कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय इंजीनियर्स टू डायग्नोज डिजीजेस. कि इंजीनियर्स जो उनसे वो कंप्यूटर यूज करते हैं जो डिजीज हैं उनको डायग्नोज करने के लिए. तो डेट्स फॉल. डिजीजेस को डायग्नोज करने के लिए कंप्यूटर्स यूज होते हैं मेडिकल फील्ड में. और उनको कौन यूज करते हैं? डॉक्टर्स वगैरह. जो इंजीनियर्स हैं वो यूज करते हैं कार्स एरोप्लेन जीन सब डिजाइन करने के लिए. ठीक है, सो वी विल राइट एफ. कंप्यूटर्स आर आल्सो यूज्ड इन होम्स. कंप्यूटर्स घरों में इस्तेमाल होते हैं. Yes, true. So we will write T. Computers are used in banks. Computer banks में use होते हैं. Yes, true. We will write T. Next topic is choose the correct options. You have to select the correct option out of four. So the first statement is in which of the following areas are computers used. कि कहाँ जो computers हैं इस्तेमाल होते हैं, किन areas में use होते हैं, कौन कौन सी field में. ठीक है, first आपके पास option है home, B office, C bank and D all of these. So the correct option is D all of these. होम में भी इस्तेमाल होते हैं, घरों में भी, ऑफिस में भी और बैंक में भी. सेकंड है आपके पास कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर टिकट रिजर्वेशन एट द बुकिंग काउंटर्स ऑफ
डैश कि आपने जो टिकट्स है वो रिजर्व करवानी है, तो किस जगह पे जाके आप जो सी हम कंप्यूटर वो टिकट जो सी रिजर्व करवा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास रेलवे स्टेशन, क्या आप रेलवे स्टेशन की टिकट जो सी है वो रिजर्व करवा सकते हैं। एयरपोर्ट्स बी ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दीज। तो आप रेलवे स्टेशन के ट्रेन के थ्रू भी सफर करते हैं और एयरपोर्ट्स यानी एरोप्लेन के थ्रू भी। सो आप रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स दोनों जगह पे टिकट जो सी है वो रिजर्व करवाते हैं। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज परफॉर्म बाई रिबोट्स, कि इनमें से कौन सा काम है जो रिबोट्स उनसे वो परफॉर्म कर सकते हैं। ऑप्शन ए हेल्प एक्सप्लोर प्लैनेट्स, बी हेल्प डॉक्टर्स परफॉर्म ऑपरेशंस, सी प्रिपेयरिंग बिल्स, डी ऑल ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। ये सारे टास्क जो उनसे वो रिबोट्स परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है जी, आर एंड डैश रिजाइंस बिल्डिंग इन हाउसेज ऑन कंप्यूटर्स, के हाउसेज और जो बिल्डिंग्स हैं वो कंप्यूटर पे कौन डिजाइन करते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास आर्किटेक्ट, बी डॉक्टर, सी शॉपकीपर, डी नन ऑफ दीज। सो आर्किटेक्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स जो उनसे हैं वो तो बिल्डिंग्स और हाउसेस वगैरह डिजाइन नहीं करते, शॉपकीपर जो उनसे होते हैं वो भी डिजाइन नहीं करते ये सब। तो जो ऑप्शन ए है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आर्किटेक्ट के जो बिल्डिंग्स वगैरह के नक्शे बनाते हैं। स्टूडेंट्स यूज कंप्यूटर्स फॉर, स्टूडेंट जो उनसे हैं वो कंप्यूटर यूज करते हैं फॉर ए ऑप्शन प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स प्रिपेयर करने के लिए, बी परफॉर्मिंग ऑपरेशंस, सी प्रिपेयरिंग बिल्स एंड डी नन ऑफ दीज। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट्स के जो भी उन्हें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो कंप्यूटर के थ्रू या कंप्यूटर से हेल्प लेके प्रोजेक्ट्स अपना प्रिपेयर करते हैं। सो दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस। आई होप सो यू विल इजिली अंडरस्टैंड देम। थैंक यू।